हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन। एरिया ऑफ पॉलीगॉन सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन्स होते क्या क्या है। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। पॉलीगॉन्स होते हैं सिंपली क्लोज्ड कर्व, जो लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन होते कौन कौन से हैं? ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, हेक्सागन, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस, आपको पता ही है ये सब पॉलीगॉन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड ए स्क्वायर, यानी कि साइड का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ रेक्टेंगल शेप्ड हॉल ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 25 मीटर एंड 18 मीटर रिस्पेक्टिवली इज टू बी पावर्ड विथ टाइल्स ऑफ स्क्वायर शेप्ड ऑफ साइड 0.5 मीटर। अब फाइंड आउट क्या करना है? हाउ मैनी टाइम्स विल बी यूज टू कवर द एरिया ऑफ हॉल। एक रेक्टेंगुलर शेप्ड हॉल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ उसने दे रखी है और उसको उसमें टाइल लगवानी है जिसकी शेप का साइज उसने दे रखा है, यानी कि स्क्वेयर शेप टाइल है और उसका ए उसने हमारे को दे रखा है 0.5 मीटर। अब वो पूछ रहा है कि कितनी टाइल्स लगेंगी पूरे एरिया को कवर करने में। तो हम किस तरीके से निकालेंगे इसे? एरिया ऑफ हॉल क्या है? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई है 25 इंटू 18, ये हमारा एरिया निकल जाएगा हॉल का 450 मीटर। सेकंड क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है। इफ द प्राइस ऑफ वन टाइल इज 25.75, 25.75 रुपये अगर एक टाइल का प्राइस है, देन वट विल बी कॉस्ट ऑफ पेइंग द सरफेस ऑफ द हॉल। टोटल कॉस्ट क्या लगेगी अगर हम पूरे हॉल में टाइल्स लगाएंगे? तो अब हमने एरिया निकाल लिया, पहले एरिया ऑफ वन टाइल निकालेंगे, ए स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर कर देंगे या 0.25 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ टाइल टू बी यूज टू पॉ द सरफेस ऑफ द हॉल, एरिया ऑफ हॉल अपॉन में एरिया ऑफ द टाइल। 450 इसकी 450 ये आंसर आया था हमारा एरिया ऑफ हॉल, और एरिया ऑफ वन टाइल हमारा आंसर क्या आया था? 0.25। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1800, यानी कि 1800 टाइल्स हमारे को रिक्वायर्ड होंगी पूरे हॉल में लगाने के लिए। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 1800 टाइल्स को एक टाइल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक टाइल का रेट क्या है? 25.75, तो इसे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 46,350। क्वेश्चन देखते हैं। वॉकिंग पथ ऑफ पार्क इज टू बी कवर्ड विद टिन शेड। स्टडी द गिवन फिगर एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक पार्क है, उसका जो चलने वाला एरिया है, वर्किंग पाथ है, जो उसको उसने कवर करना है टीन शेड से। दे रखी है उसने फिगर, ये टीन शेड का एरिया है। वो बोल रहा है कि कितना किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रहा है वो? व्हाट विल बी द साइज ऑफ टीन शेड यूज टू कवर द पथ। टीन शेड का साइज क्या होगा पथ को कवर करने के लिए? और सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ कवरिंग वन स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया इज ₹44, देन हाउ मच मनी विल बी स्पेंट ऑन कवरिंग द पथ। एक कॉस्ट दे रखी है एक स्क्वायर की टाइल्स की, जो टिन शेड है, ₹44। तो पूरे जो उसमें स्पेंड होगा वो कितना मनी स्पेंड होगा वो पूछ रहा है। तो हमें दिया क्या हुआ है? साइज ऑफ द टिन ऑफ द कवर, यानी कि एरिया ऑफ पाथ हो गया। एरिया ऑफ पाथ कितना हो गया? एरिया ऑफ लार्जर माइनस में एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल दे रखा है हमें, इसमें से पहले हम पूरे का एरिया निकालेंगे, फिर जो ये स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया निकालेंगे और उसमें से इसे माइनस कर देंगे। ये देखो एरिया ऑफ लार्जर का 56 इंटू 38 और एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल का 48 इंटू 30। एल इंटू बी होता है एरिया का फार्मूला, तो इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा एरिया ऑफ पथ कितना आ जाएगा? 688 मीटर स्क्वायर। तो
कितना एरिया कवर करने के लिए चाहिए? 688 मीटर स्क्वायर टिन विल बी यूज टू कवर द पथ। फिर कह रहा है कि मनी स्पेंड कितनी होगी। मनी स्पेंड कैसे निकालेंगे? प्राइस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इंटू में साइज ऑफ टिन। साइज ऑफ टिन क्या है हमारा? 688 और प्राइस कितना है? 48। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल स्पेंड जो किया मनी वो निकल जाएगा 30,272।